अली पहन के दिखा। अली कपड़ा धुल के हो रहा था ना, तो यहाँ पे हम लोग को पेटी में नया खजाना मिला। तो ये अरे बाप रे, ये पीछे क्या है? अरे बाप, अरे बाप रे। तो गाइस देखो क्या कर रहा है। अली ये किसके कपड़े? किसके कपड़े? ये चार साल का दिन में, चार साल का दिन में खाली मेरे अम्मी ने ये दिखाई है। और ये ना पेटी, हाँ अच्छा ठीक है। तो आयशा हमने ये पेटी क्यों निकाला है आज बताएंगे? क्योंकि मेरा 9 महीने स्टार्ट हो चुका है, तो कभी भी मतलब डिलीवरी का टाइम आ चुका है, तो कभी भी लेबर पेन हो सकता है। इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं बाबू के लिए जो आने वाला है। अल्लाह के करम से अच्छे से सब हो जाए, आप लोग की दुआ है। और आप लोग भी दुआ करो कि सब अच्छे से आसानी से हो जाए ना अली। तो ये अली का बचपन के सब कपड़े हैं, हम लोग कुछ 4.5 साल बाद ये कपड़े खोले। हाँ तो ये सब अभी कुछ निकाल के धोने के लिए निकाले, ताकि सब पैकिंग वगैरह करना। क्या बोले थे आंगनबाड़ी वाले? स्नेहा वाले लोग जो आते हैं यहाँ पे गाइड करते, उन्होंने भी मुझे बोला था कि ये सब पैकिंग करके रखो, आप पैकिंग करके रखो क्योंकि अभी 9 मंथ चालू के कभी भी डिलीवरी हो सकता है। इतना तो मुझे पता था क्योंकि मेरा ऑलरेडी 4.5 साल का लड़का है। देखो उधर इसके ही कपड़े, ये देखो बड़े कपड़े निकाल के आता है, थोड़े बड़े बड़े एकदम बड़े बड़े कपड़े, एकदम बड़े बड़े। अरे ये नहीं, एकदम बड़े बड़े, एकदम बड़े बड़े, एकदम बड़े बड़े, एकदम चुन्नू से बड़े बड़े। ये इसमें अली सुसु करता था। और उसको ये देखो अली के छोटे छोटे सॉक, अभी अली के हाथ में भी नहीं आएंगे। ये अली के, अली का सबसे बड़ा, सबसे फेवरेट कैप कौन सा था वो वाला बताओ। ये मोन्स्टर वाला अली का सबसे फेवरेट कैप है। देखो कहता अभी थोड़ा डस्ट हो गया, सब धुले हैं, फिर भी हम लोग एक बार धो रहे। ये देखो छोटे छोटे, ये देखो छोटे छोटे पाओ 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 मेरे। अली पहन के दिखा, अली पहन के दिखाएगा, पहन के दिखा अली, ये अली पहन के दिखा ना, अली पहन, अली सो गाइस ध्यान से देखो, अली मेरा शूज पहना है नहीं हो रहा है। अच्छा ये वाला पहन के दिखाओ, दिखाओ ये देखो, देखो क्या पहन रहा है, देखो मेरा बड़ा वाला जूता बताओ, ये देखो मेरा बड़ा वाला जूता। हां चलो तुम रखो जूता निकाल के, ये रख दो इधर, ये सब बांधने के लिए कपड़े हैं बच्चों को बांधना। हां ये बेबी को जब होने के बाद डिलीवरी होने का, इसको अच्छे से टाइट बांधना पड़ता है बच्चों को बोलते हैं, और ठंडी में तो अभी बहुत ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी। देखो ये इतने सारे अभी सब कपड़े धोएंगे, ये देखो उसके लंगोट, और ये ना उसकी लड़की वाले कपड़े। ये कौन दिया था? ये उसकी दादी, ये हाँ ये मेरी मम्मी ला के दिए थे उनको पता नहीं था ना, तो ले लिए थे पहले उन्होंने, सब गर्ल्स के बॉयज़ के दोनों मिक्स में सब फैमिली वाले ने लिए थे और पहले से लेके रख दिए थे। ये देखो ये हम लोग ने खरीदे थे। यहाँ पे कपड़े मेरे बाबू के धुल गए हैं, अभी इसको निकाल के इसको फिर हम लोग डेटॉल से धोएंगे। तो यहाँ पे मैं पूरे कपड़े रख रहा हूँ और यहाँ पे कपड़े धुल रहे, देखो पूरा पानी काला पीला हो गया एकदम, काफ़ी टाइम से रखे थे ना। और यहाँ पे ऐसा खाना बना रही, क्या बना रहा है? मिक्स भाजी, ये मिक्स वेजिटेबल भाजी बना रहे। उसकी तबीयत भी सही नहीं है, तबीयत भी बहुत ख़राब है उसकी, मतलब जो मिले बना दो, जो भी मिला अच्छा ही बनता। और यहाँ पे मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो बताओ तो? कार्टून देख रहा, पता नहीं कौन सा कार्टून है, कौन सा कार्टून है अली? अरे पिंक भालू है, पिंक भालू है कि क्या है वो? पिंक टाइगर है। तो गाइस आप लोगों को पता है पिंक टाइगर वाला कौन सा कार्टून है, तो कमेंट में बताओ। हाँ लायन है। देखो अभी अली के अब्बू क्या कर रहे हैं, काम छोड़ के मस्ती कर रहे हैं। गाइस देखो दो तो भर के माशाल्लाह हमारे बाबू के लिए कपड़े रेडी हो गए, हमें कपड़ा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी ऐसा लगता है। और अभी ये कपड़े को क्या करना है? डेटॉल से धोना बोल रहे हैं तुम तो। हाँ भिगा के रखना है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, अली के हाथ आंख पे ना दतौड़े आ गए थे, पुराने कपड़े पे, पुराने कपड़े का मतलब धुलने बच्चे के, बट कैसा न्यू बॉर्न बेबी तो इन्फेक्शन हो जाता है, आधा डालो ना। हाँ दोनों में थोड़ा थोड़ा डालो, आधा आधा देखो बस, थोड़ा और डालो। अरे आधा बोले ना, आधा पाता है, देखो आधे से आधा आधा हो गया, तो अभी इसको दो डालने के, उसको अच्छे से धोना पड़ेगा ना, भिगा के रखना है 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट तक भिगा के फिर उसको फिर खंगालने हैं, धोएंगे मशीन में या तो फिर हाथ से धो देंगे, इसको रख दूँ। हाँ तो मिलते हैं अभी, मेहनत कर रहा हूँ मैंने आज, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, पता मैं बीमार हूँ। हाँ सही में बहुत तबीयत खराब है, पानी डाल के भिगाने डालो, इसको बंद कर दो ना, नहीं पानी से भिगा देते ना, ये पाइप खोल के निकाल दो, डालो पाइप से। तो
गाइस हमारे बाथरूम में थोड़ी जगह नहीं है ना, तो हम लोग तो बाहर ही काम कर रहे हैं। अब चार भाई कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सर को ढकने के लिए छत तो है ना, बच्ची नहीं तो लोगों के पास तो भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो टैटोल के पानी में भिगा के रखना है। तो ये ब्लॉग बनाने का सिर्फ इतना ही हमारा का मोटिवेशन था। अरे मानिया इंग्लिश बोलने में गड़बड़ा रहा हूँ मैं, लक्ष्य हिंदी में बोलता हूँ। तो ये लक्ष्य इतना ही था बनाने का, कुछ नहीं था, बस यादें। अब अपनी यादें आप लोग शेयर कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या बताए, ये मेरी ख्वाहिश थी शादी से पहले की मैं हर एक चीज़ ना अली के टाइम पर शूट करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, पूरे एक कैप्चर बोलते ना मूवमेंट कैप्चर करूँगा, तो वो इसके टाइम पे तो कर नहीं पाए। इस बार माशाल्लाह अल्लाह के करम से सब चीज़ सही होगा ना, सब चीज़ सही हो जाएगा, तो वो चीज़ प्रॉपर तरीके से कैप्चर करेंगे अली मेरे छोटे बाबू जो आने वाले बाबू का ना। इंशाल्लाह तो मिलेंगे, अभी वीडियो के बनने तक बने रहना, देखते क्या क्या होता है। काम कर रही है, कपड़ा धुल के हो रहा था ना, तो यहाँ पे हम लोग को पेटी में नया खजाना मिला। तो ये अरे बाप रे, ये पीछे क्या है रे, अरे वाह, अरे बाप रे। तो गाइस देखो क्या कर रहा है ये हमारा छोटा सा खजाना, हमारा जिंदगी का तितला। अरे खजाना अंदर जाओ, जाओ वापस से जाओ, तो हमारे जनता लोग को दिखाओ कैसे गायब होते। तो गाइस देखो 1 2 3 ये गायब। अरे ये क्या दिख रहा है, ये पिछवाला दिख रहा है बे, ये पिछवाला दिख गया रे तुम्हारा। तो गाइस हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे छुपन छुपे गिर रहा हो, अभी पेटी में, वो भी देखो कौन से जमाने का पेटी है, ये मेरे अब्बा ने दिए थे जब ये पैदा नहीं होता तभी दिए थे, तब से हमारे पास ये पेटी है देखो। अच्छा इसका लॉक खराब है, हाँ इसका लॉक खराब हो गया, ये तो काम करने पे। और ये क्या करेगा, और यहाँ पे हम लोग सब संतरा वगैरह छिल के सब खा रहे, और अभी भी काम पूरा बाकी है, पूरा टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है अभी। तो गाइस फाइनली हमारा काम पूरा हो गया, काम पूरा बोले तो सिर्फ कपड़ा धोने का काम हुआ है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताएंगे क्या क्या हम लोग लेके जाने वाले और क्या क्या पैकिंग करने वाले। कपड़े के साथ साथ हम लोग बहुत कुछ और पैकिंग करने वाले। तो यहाँ पे आयशा ने देखो पूरा कपड़े धो के एकदम रखी है, और वही सुखा रही है, और देखो इतना नीचे, मैं उसको बोल रहा हूँ अम्मा के नीचे ऐसा देख के करो, बोलती हुई नहीं रहने दो मैं कर लूँगी टेंशन मत लो आप। ये देखो अकेले ही कर रही है, मना करने के बावजूद भी बोलती नहीं कोई बात नहीं मैं कर लूँगी, अरे ठीक है कर लो फिर। बट अभी ये महीने में थोड़ा बोलते काम भी करना बहुत ज़रूरी है, तो ये महीने काम करना भी बोलते हैं, नौवे महीने में अच्छे से काम करेंगे, क्यों, ताकि नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस बहुत अच्छा रहता है इसमें ना। तो लास्ट टाइम जब ये अली जब पेट में था, इसकी भाभी भी और इसके घर वाले भी थे, बहुत इसको बहुत काम करा है, इसने ज़बरदस्ती कोई टॉर्चर नहीं किया, एक्चुअली काम इसलिए करा है कि इसकी थोड़ा नॉर्मल डिलीवरी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस था, कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सब कुछ हो गया, और इस बार भी कोई दिक्कत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी सब ठीक है हमारा बच्चा, बस आप लोगों की दुआ है, दुआ दो बस। तो फिर क्या होते बंद करते हो, बस कपड़े वपड़े धो दिए, और कितना बज रहा है टाइमिंग बता दो, टाइमिंग तो ये देखो 12:00 मतलब 12:45 हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तो तब तक लिए जय भारत, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अली भाई कर दो।